धार्मिक आयोजन के हिसाब को लेकर समाज के युवक से मारपीट की घटना से आक्रोशित दुर्ग जिला कुसरिया यादव महासभा ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। दुर्ग जिला कुसरिया यादव महासभा के बैनर तले बुधवार को बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। साथ ही बताया कि धार्मिक आयोजन के हिसाब को लेकर समाज के ही अनिल यादव, जो कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, उसके और उसके साथियों द्वारा दुकान में घुसकर मारपीट किए जाने का आरोप लगाया। आक्रोशित समाज के लोगों ने लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है। इसके बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इससे नाराज समाज के लोगों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस दौरान उन्होंने दुर्ग कलेक्टर से भी मुलाकात कर इस मामले का ज्ञापन सौंपा। मामले को लेकर समाज के प्रमुखों ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी है। हमारे दुर्ग शहर का है प्रीतम यादव जी, जो अध्यक्ष है युवा प्रकोष्ठ यादव समाज से। यहाँ इनके हिसाब किताब जो हुआ था, यादव समाज में एक रैली निकाले गया था जिसमें हिसाब जन्माष्टमी वाले, जिसमें रैली में हिसाब किताब हुआ। भाई उनका हिसाब किताब है, वो पर्सनल जाके समाज में बैठ के कर सकते हैं, मगर वो अनिल यादव जी जो कि महामंत्री है भाजपा मंडल से बुरसी से, वो सीधा जाके पांच लोगों ले जाके मारपीट किए इनसे, क्योंकि वो अपना दादागिरी दिखा रहा है कि मैं भाजपा मंडल से हूँ, भाजपा मेरा सरकार है, ऊपर केंद्र में सरकार है। और माननीय अमित शाह ने बोले थे कि हमारे सरकार आने के बाद में एक भी यहाँ पास कोई ऐसा केस नहीं होगा। और देखिए अभी कुछ ही दिन हुआ है, उससे पहले अपना भाजपा वाले अपना दादागिरी दिखा रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई चाहिए ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति जो कि एक कोटनी ग्रामीण से आके शहर में काम कर रहे है, वो आराम से काम कर सके, अपना रोजी रोटी चला सके। उनको सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए। समाज एक तरह से संगठन और एकता पे कार्य कर रहा है लगभग कईयों समय से, और ऐसा नहीं है कि अनिल यादव पद में नहीं थे, इससे पहले वो संभाग अध्यक्ष थे, उनसे उम्मीद थी कि वो समाज को संगठित करके चलेंगे, परंतु पद के लालच में बोलो या किसी भी प्रकार से हो, वो हमेशा ये चाहता था कि मतलब मुझे पद मिले। शायद यही एक कारण हो सकता है उनका इस तरीके से विवाद करने का। और समाज जिस तरीके से अभी संडे को बैठक हुआ तो उसमें अपना कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा जो जानकारी था वो विधिवत दिया गया, वो बैठक में नहीं आया था इसलिए उसे नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरीके से उसने व्यक्तिगत रूप से इसको मारपीट का एक दिया है, वो गलत तरीके से दिया, जिसे समाज में एक डर का पैदा कि गांव-गांव से लोग जिले में आते हैं और गांव भर के लोग यहाँ पे आते हैं, जिले से जुड़े हुए हैं, तो इसका उस तरीके से दादागिरी करना समाज में ये बहुत ही गलत है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उस पर एक कड़ी कार्रवाई समाज तो करेगा ही करेगा, शासन प्रशासन को भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यापारिक व्यक्ति जो गाँव से शहर में अपनी रोजी रोटी कमाने आता है, उस पर आप दिन दहाड़े 11-12 बजे जो एक आम व्यक्ति का एक कार्य करने का समय शुरू होता है, उसी समय आप आकर 5 लोगों को लाकर व्यक्तिगत रूप से उस पर हानि पहुंचाते हो, तो ये पूरा दुर्ग जिला के लिए शर्मनाक है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। किसी समाज में श्री कृष्ण जन्माष्टमी हुआ था, उसी का हिसाब किताब मैं यादव समाज के जिला व्हाट्सएप में डाला हूँ, जिसको लेकर के उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि आगे का भी हिसाब किताब दो। तो वो व्यक्ति वैसे ही समाज विरोधी कार्य करता है और गुंडागर्दी हमेशा कहीं भी करते रहता है। अभी वर्तमान में वो जिला भारतीय जनता पार्टी में कहीं मंडल का मंत्री है, वो अनिल यादव नाम का व्यक्ति है, केलाबाड़ी निवास है उनका, और वो समाज में बहुत गुंडागर्दी करते रहता है। तो उसको थोड़ा सा तू मैं हुआ तो उसी के चक्कर में वो आ करके मेरे जो शॉप है साईं फ्लेक्स प्रिंटिंग दुकान, उनके दुकान के अंदर घुस करके मेरे साथ मारपीट किया, छीना झपटी किया, जिसकी वजह से मैं अपने यादव समाज के साथ आया हूँ। यदि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है, आज जो घटना हुआ है कवर्धा में, साधराम यादव जी को रात्रि में 21/1/2024 को जो हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई गलरेत कर, उसके जो हत्यारे हैं वो अभी तक कुछ हत्यारे तो गिरफ्तार हो चुके हैं, परंतु कुछ हत्यारे इधर उधर सब भटक रहे घूम रहे हैं। तो सही जो उसका हत्यारा है और किस कारण उसका गला को रेत कर मारा गया है, निर्मम हत्या किया गया हमारे यादव समाज के हमारे बेटे को, और उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम सब दुर्ग जिला कुसरी यादव महासभा कलेक्टर और एसपी के सामने में ज्ञापन दिए हैं, और राज्यपाल के नाम से हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि उसका सीबीआई जांच करा जाए और उसके एक परिवार को 1 करोड़ राशि दिया जाए और उसके परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी में पदस्थ किया जाए। इन्हीं मांग को लेकर हम लोग आज
छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी कलेक्टर में आज 7/2/2024 को ज्ञापन दे रहे हैं और अपनी मांग को पूरा कराने के लिए हम लोग आज इस कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग फिर आने वाले समय में भविष्य में इससे बड़े आंदोलन करेंगे और अपनी मांग को मनवाने के लिए हम शासन से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी मांग को आज सही करें। इन्हीं उपलब्धियों के साथ हम लोग आए थे। एडिशनल एसपी साहब बोले, कलेक्टर महोदय तो नहीं थे, अतिरिक्त कलेक्टर महोदय थे, हम ज्ञापन भेज देंगे हैं राज्यपाल को। और एक दूसरा मैटर था, हमारे दुर्ग जिला कुसरी यादव समाज के युवा अध्यक्ष श्री प्रीतम यादव को उसके दुकान में जाकर और एक गुंडागर्दी करके हमारे अनिल यादव जी 4-5 साथी को लेकर जाकर मारपीट करके आए हैं और उसको भी मांग करने के लिए हम दुर्ग जिला यादव महासभा सर यादव महासभा यहाँ पर आए हैं कि जो गुंडागर्दी करते हैं ये भाजपा की राज है। भाजपा वाले कहते हैं कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी नहीं होगा, तो मैं यही निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से कि जो वहाँ पर गुंडागर्दी किए हैं, जो मारपीट किए हैं, उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजे। इन्हीं मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।